बार गर्मी का पारा कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर सूरज हमारे सर पर टंगा हुआ है कि हम सूरज के ऊपर खड़े हुए हैं। खैर जो भी है, अब इतनी गर्मी में मैं आपको चाय वाय तो पिलाऊंगी नहीं, इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ कहाँ, कटिंग चाय एंड नींबू पानी शॉप। तो भाई यहाँ पर हम पियेंगे नींबू पानी और करेंगे मजा। भाई एक बढ़िया मसाला मार के नींबू पानी बनाना जरा। वैसे बता दूं कि योगी सरकार की ये पहली गर्मी है और योगी जी ने यानी कि सीएम जी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को ये बता के रखा है कि भाई हेकड़ी नहीं करना और सभी के साथ नम्रता से पेश आना। लेकिन लग रहा है कि ये जो भयानक गर्मी का असर है मंत्री और विधायकों के दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है। खैर आम जनता तो दुखी है ही। तो आज हम चलेंगे कटिंग चाय के साथ जनता के बीच और मौसम की गर्मी और माहौल की गर्मी का लेंगे जायजा। तब तक के लिए आप भाई नींबू पानी नहीं बना, तब तक के लिए आप आइए मेरे साथ। भाई आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी ये बताइए कितनी गर्मी है, कहाँ घूम रहे हैं आप इतनी गर्मी, बैग वैग टांग के पसीने से तर? की भर्ती देखने आए जी। जी आर्मी की भर्ती देखने आए यहाँ पे। ओहो हो, आर्मी की भर्ती देखने के लिए आए? बस से आए क्या? ना ट्रेन से आए। इतनी गर्मी है, बाप रे। अच्छा रास्ते में नहीं पियाव या वो मिला सरकार ने कुछ पियाव या वो लगा रखे, हैंडपंप वैंडपंप खुदवा रखे हैं, कुछ इंतजाम है गर्मी का? ना ना कोई नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, बड़ी गर्मी में मर रहे हैं सभी लोग, गरीब तो ज्यादा मर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जो बेचारे लोग इतनी दूर से चले आते हैं इतनी गर्मी में, कुछ पानी वानी मिले उनको। हाँ जी ये तो उन्हें करना चाहिए सरकार को। क्या क्या करना चाहिए? अच्छा क्या चाहते हो, क्या क्या हो जाए आपके लिए गर्मी से बचाने? पानी पुनी का होना चाहिए, ठंडा पानी ये कहीं भी होना चाहिए, यहाँ पे मिलते नहीं, स्टेशन में देख लो कहीं भी देख लो, बस स्टैंड में देख लो कहीं भी ठंडा पानी नहीं होता। सर आपका नाम क्या है? आप भागे जा रहे हैं सर, आपका नाम क्या है? परमजीत यादव। यादव जी ये बताए कि इस बार जो माहौल की गर्मी है और मौसम की गर्मी है, खैर मौसम की गर्मी तो है ही, वो तो परेशान करी है, पर जो माहौल की गर्मी है वो कैसी है, कितना हेकड़ी वेकड़ी दिखाई है कभी आपको किसी ने? अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, हम क्या सभी लोग परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते हैं सब परेशान हैं। कभी किसी अधिकारी पर गर्मी चढ़ी है, आपको गुस्सा आया है किसी बात को लेकर के, कुछ कह रहे हैं हम सुन ही नहीं रहा अधिकारी, क्या करते होंगे, कैसे अपनी गर्मी जो है ना शांत करते, कैसे ठंडा करते होंगे खुद को? और क्या नहीं, बहुत गुस्सा आता है दूसरों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, प्यासे मर जाए, यहाँ पर प्यास लग गई तो कहीं पानी तक नहीं मिलता है। प्याव लगाने चाहिए रास्ते में, हैंडपंप वगैरह खोद के रखने चाहिए। भाई पहले के जमाने में तो लोग जो राजा महाराजा होते थे वो तो रास्ते में ठंड गर्मी आने से पहले ही से शुरुआत करते थे, कुएं वुएं खुदवा देते थे रास्ते में, और अब देखो इतनी गर्मी में जनता घूम रही है, कोई जनता का ख्याल ही नहीं। यस मैडम, वैसे पानी की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, थोड़ी थोड़ी दूर पे लगभग बहुत ज्यादा 200 मीटर पे जरूर एक नल जरूर मिलना चाहिए। आपका नाम क्या? आइए भाई, हम निरंजन शर्मा। निरंजन जी ये बताइए कि आजकल जो माहौल की गर्मी है, खैर मौसम की गर्मी तो है ही है, पर जो माहौल की गर्मी है, जो इतना गरम गरम सा माहौल हो रहा है, कोई भी आ रहा है किसी भी आईपीएस अधिकारी को हड़काया दे रहा है, है? किसी भी महिला आईपीएस, किसको हड़काया है? आईपीएस अफसर को हड़का के आए। आप कौन है सर? हम धार्मिक काम करते हैं। धार्मिक काम करते हैं तो इतनी गर्मी है, आईपीएस अफसर पर हड़काएं? वो लोग हमको गर्मी दिखाए तो क्या बोलेंगे उनको, हम लोग इतना दूर से आया है परेशान करेंगे तो क्या बोलेंगे उनको? अरे मतलब आपने उन्होंने हमको कुछ परेशान करते हैं तो कुछ ना बोलना पड़ेगा। किस बात पे परेशान कर दिया आपको आईपीएस ने भाई? अभी कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, कहीं कुछ परेशान हो रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो वाला, अब ऑटो वाले को परेशान करते हैं तो आपने है? आपने जाकर के सबका बदला लिया, आपने सबका बदला लिया? बदला नहीं लिया, हमने बोला समझाया उनको। बताइए किस आईपीएस को हड़का के आया? नाम तो हमको नहीं मालूम सर, इसलिए क्योंकि नाम हम पढ़ा तो नहीं, नाम उनको बाहर उन्होंने आपको हड़काया तो आपने अपनी हड़काया तो उनको बताया, उनको गर्मी नहीं दिखाया वो ठंडा, हम लोग गरम लोगों को ठंडा करने वाले हैं। अच्छा ये गरम लोगों को ठंडा करने वाले हैं, मतलब इनको किसी ने गर्मी दिखाई तो इन्होंने उल्टा उस पर गर्मी दिखा दी। मदन पोखरेल जी, मदन पोखरेल। मदन जी ये बताइए कि आजकल जो मौसम की गर्मी है, खैर मौसम की तो बहुत गर्मी है, हालत खराब है लोगों की, यहाँ पे कहीं रास्ते में आए थे प्याव या वो कुछ मिला? मिलता है ये चीज, चाय पी रहा हूँ, मेरे को तो जितना गर्मी होगा ना उतना ही अच्छा मजा आएगा। चाय पी करके गर्मी शांत कर रहे हैं? गर्मी शांति होता है क्योंकि लोहा लोहा से काटती है। बिल्कुल सही बात, लोहा लोहे को काटती है। अच्छा ये बताइए आजकल जो माहौल की गर्मी है, कोई भी मतलब मीडिया वालों की बाइकें जलाया दे रहा है, कहीं पर आईपीएस अधिकारी को डांट पड़ी जा रही है, कहीं पे एसएसपी के घर में गुंडाई करी जा रही है, तो ये जो माहौल की गर्मी है ये कहाँ से गर्मी आ रही है भाई, किस बात की गर्मी है? पता नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले, अब यहाँ तो गर्मी चढ़ी हुई लोगों के दिमाग में जो गर्मी बोल रही है सर चढ़ के, तो ये वाली
देखिए इसके दो कारण हैं, एक तो डिसिप्लिन नहीं है, दूसरी चीज़ कोई भी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा, और आदेश हो जाते हैं उसके बाद ये कोई नहीं देखने वाला कि पहले शुरू में कार्य हो गया उसके बाद फिर चालू है कि नहीं चालू है कंटिन्यूसली, वो जो है कोई देखने वाला नहीं। ये जो गर्मी है इसी वजह से आती है क्योंकि घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है। बस घमंड सर पे चढ़ा हुआ है। अब हम खड़े हैं सहारागंज मॉल के बिल्कुल पास में और वहाँ पे कुछ दो लड़के खड़े हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं माहौल। और सर गर्मी इतनी ज्यादा, धूप हमारे सर पे टंगी हुई, इतनी गर्मी में कैसे चल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में, घर में क्यों नहीं है? जैसे जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो गर्मी हो चाहे जो रेगुलर काम। ये बात तो सही करी भाई, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, जनता जनार्दन किसी से रुकती नहीं और किसी के आगे झुकती नहीं। तो सर ये बताइए कि जो दिमाग वाली गर्मी है, आजकल लोगों के दिमाग पर गर्मी आखिर सबसे ज्यादा चढ़ी है, तो ये माहौल वाली गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है कि मौसम वाली गर्मी? नहीं, इस समय तो मौसम वाली ही गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही है, और बाकी माहौल वाली जो वैसा होता है तो आप आदमी खुद से अपने हैंडल कर लेता है। अभी ट्रैफिक में खड़े खड़े कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा आ गई हो और इतनी गर्मी लग रही हो आगे वाला आगे निकल ना रहा हो और फिर उसको एकदम गाली वाली दे के एकदम सुधार दिया हो कि आगे निकल भाई? नहीं नहीं नहीं, जैसे इसमें अधिकारी को हम नहीं कहेंगे, पब्लिक खुद ही अपने से ही जाम लगाती है, उसमें उनका कोई मतलब वो नहीं होता है। जिनको अपने साइड में चलना चाहिए वो अपने साइड में चले तो कभी भी जाम नहीं लगेगा। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका मिश्रा। प्रियंका जी, ये बताइए इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या करती हैं? पानी पीती हूँ ढेर सारा, लॉट्स ऑफ वाटर। लॉट्स ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है, गर्मी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी और हवा, है ना? लेकिन योगी जी की सरकार में थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि दिक्कत हो रही है, जो योगी जी तो ठीक है लेकिन उनके जो विधायक और मंत्री जी हैं उन्होंने तो उनके सपने पर पानी फेर रखा है। मतलब कभी भी आईपीएस को जाकर के महिला आईपीएस को हड़का दे रहे हैं या एसएसपी के घरों जाके गुंडाई कर दे रहे हैं, तो ये जो माहौल वाली गर्मी है, दिमाग वाली गर्मी है, ये कहाँ से आती है? एक्चुअली इसमें किसी की गलती नहीं है, देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। योगी ने शुरू किया है, उन्होंने शुरू किया, थोड़ा टाइम लगेगा, जो चीज़ें बहुत सालों से बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने में। वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी लोग हैं जो नीचे हैं, वो जो उनकी गर्मी है, जो उनका गर्मी है, जो दिमाग की गर्मी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा गलत रास्ते पर जा रही है, आपको नहीं लग रहा? नहीं नहीं, वो सब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हर एक सेक्शन को एक एक करके लेंगे, सुधारेंगे, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये बताइए रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चलाते हैं। इतनी गर्मी में सर गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी लगती है, जो अंदर बैठता है उसे तो गर्मी नहीं लगती होगी क्योंकि चलो वो तो बच जाता होगा इससे थोड़ा बहुत। खैर इनका ये भी कैसा, ये ऐसा क्यों है? पता हुआ है, लगवाना चाहते हैं। अच्छा, चलो जो यहाँ बैठता है उसको तो आराम मिल जाता होगा, लेकिन जो यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत होती है, देखो पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है। कैसे बचाते हैं अपने आप को ऐसी गर्मी? क्या किया जाए, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। सरकार ने कहीं प्याऊ या नहीं लगाया अभी रास्ते में कहीं पर भी? नहीं, मिलता है पानी वानी पिलाने के लिए, जगह जगह है कहीं कहीं। अच्छा, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है? कभी किसी ने आपके ऊपर गुस्सा हेकड़ी निकाल दी हो तो बुरा लगता है? अब जैसे गाली वाली किसी ने लड़ा दिया तो गुस्सा आएगा ही। तो क्या करते हैं फिर? फिर लड़ाई करके अपना चले आते हैं, हल्का फुल्का गुस्सा हो, गर्म हुए, हम गर्म हुए, बस चले गए। तो वहाँ पे हमारे साथ एक महिला है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सीमा पटेल। सीमा जी, ये बताइए कि आजकल जो है माहौल में काफ़ी गर्मी है, माहौल में गर्मी, मौसम की गर्मी तो है ही बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है आपको भी पसीने से बिल्कुल तर बतर है, जो माहौल की गर्मी है जो आजकल लोगों को बहुत गर्मी दिमाग पे चढ़ी हुई है, तो क्यों ये गर्मी कहाँ से आ रही है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर तरह का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए अभी गर्मी में जो पहले कम होती थी लेकिन आजकल गर्मी में बहुत ही मिस बढ़ावा आया हुआ है, और अपने जो मिस यहाँ पे बीजेपी है तो इसलिए जोश भी बढ़ रहा है, और हम लोग गोरखपुर जाके आए, अपने सीएम आदिनाथ उनका भी शहर देखे, हम बम्बई से हैं, वहाँ पे जाके हम लोग खास आए हैं देखने। अच्छा अच्छा, तो कभी गुस्सा आए, कभी गर्मी में आप ड्राइव कर रही हैं, स्कूटी चलाती हैं, बाइक चलाती, कुछ स्कूटी चलाती हैं? नहीं नहीं। अच्छा, कभी धूप में निकली हैं ऑटो से या गाड़ी से या कैसे भी पैदल भी, तो कभी किसी के ऊपर गुस्सा आया है, कभी बुद्धि खराब हुई है, ऐसा लग रहा है कि बस गुस्सा हो, जब गर्मी चढ़ गई दिमाग? हाँ, गर्मी के वजह से नेचर में तो इफ़ेक्ट होता ही है, वैसे कूल रहेगा, ठंडी में हम लोग ज़्यादा कूल रहते हैं लेकिन गर्मी में और ज़्यादा मिस अगर दूसरे का दोष नहीं होता है, क्लाइमेट की वजह से थोड़ी बहुत ऐसे हमें परेशानी हो जाती है तो गुस्सा दूसरे के ऊपर निकल जाता है।